नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कर्नाटक का जनादेश किसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी को 106, कांग्रेस को 73 और जेडीएस को 41 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीएस येदियुरप्पा ने 35,397 वोटों से अपने विरोधी प्रत्याशियों को मात दी है। सीएम सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र 50,000 वोटों से जीते हैं। वरुणा विधानसभा सीट से डॉक्टर यतीन्द्र जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं, जो धुंधली तस्वीरें थी, जो रुझानों में तस्वीरें धुंधली दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं अब साफ होती हुई नजर आ रही है। और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक अब फिसलता हुआ दिख रहा है। सिद्धारमैया अपने परंपरागत से चामुंडेश्वरी से चुनाव हारे हैं। जेडीएस प्रत्याशी डीटी देवगौड़ा 30,000 वोटों से हराया है। और रुझानों में बीजेपी को 106, कांग्रेस को 73 और जेडीएस को 41 सीटें मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और यही कुछ तस्वीरें रुझानों में है, लेकिन ये तस्वीरें जल्दी अब कहीं ना कहीं नतीजों में तब्दील होंगी। बीएस येदियुरप्पा ने 35,397 वोटों से अपने विरोधी प्रत्याशी को मात दी है। सीएम सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र 50,000 वोटों से जीते हैं। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देते हैं कि बीजेपी कर्नाटक में अपनी सरकार बना रही है। और जिस तरीके से ये कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ये हुजूम, ये जश्न, ये नाच गाना, ये होली, गुलाल, रंग, ये इस बात की गवाही देता है कि रुझान में बीजेपी आगे है। और तस्वीरें कुछ ऐसी ही अब नतीजों में भी साफ दिखने वाली है। ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन विश्वास तो, आत्मविश्वास तो कांग्रेस ने भी जताया था। शायद वो अति आत्मविश्वास निकला या कोई कमी रह गई होगी रणनीति में, और उसके तहत ही फिलहाल तो कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक फिसलता हुआ और एक बड़ा राज्य था कर्नाटक कांग्रेस के पास। लेकिन अब ये हार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बीजेपी के रास्ता मुश्किल कर सकती है। राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता। राजेश जी, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, क्या कहेंगे, जिस तरीके के नतीजे अब कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, एक और राज्य आप लोगों के खेमे में आ गया है। मेरा कहना यह है कि 2019 का सेमीफाइनल था ये जी। देश की जनता ये क्या चाहती है देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जाके कर्नाटक में क्या कहते हैं, राजस्थान में जाके क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके क्या कहते हैं, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का वो विरोध करते हैं, तो जनता का मन बना हुआ है 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पहले से अधिक मतों से विजयी बनाना ये तय कर चुकी है जनता जी। राजेश जी, लेकिन आपने सेमीफाइनल बताया, चलिए सेमीफाइनल में तो जीत गए, लेकिन राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं, ये दावा कहीं ना कहीं कर रहे थे, उसका क्या हुआ? राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और केवल कल्पना में खोए हुए रहते हैं। उन्हें भौतिक कोई जानकारी है नहीं, जमीन पर क्या चल रहा है वो नहीं जानते जी। उनको नहीं पता कि भारत में क्या स्थिति है, देश में जाकर के कभी घूमे, जाकर के गांव में जाए, गरीब के घर में जाकर के बैठे, गरीब की झोपड़ी में जाकर के बैठे, तो उन्हें मालूम पड़ेगा असली भारत क्या है जी। वो इटली की मानसिकता में रहते हैं और उन्हीं ख्वाबों में खोए रहते हैं, तो उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार है, वो देखते रहे। राजेश जी, फिलहाल कर्नाटक में बढ़त बनाए हुए हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब क्या कुछ चुनौतियां होंगी बीजेपी के लिए, क्योंकि आप जीत तो आप रहे हैं लेकिन चुनौतियां कम नहीं होंगी, इस बात को भी आप मानते हैं शायद? भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है, नरेंद्र मोदी जी का यही संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का यही संकल्प है। जिस तरह से 5 साल के अंदर कर्नाटक में जो विकास रुका है, कर्नाटक जिस तरह से पिछड़ा है, उसको विकास के रास्ते पे लाना यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य होगा। राजेश जी, आपका हिंदी खबर से बातचीत के लिए। तो रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है और जो चुनौतियां हैं वो भी काफी बड़ी होंगी इस बार बीजेपी के लिए, क्योंकि कर्नाटक में बीते 5 सालों में कांग्रेस की सरकार थी। और आपको बता दें, कांग्रेस 5 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा किया है और 1985 के बाद अगर कांग्रेस जीतती तो ऐसा मौका होता कि ठीक उसी पार्टी ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन ऐसा 1985 के बाद अब तक एक बार भी नहीं हुआ। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है और जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मनाया जा रहा है, चाहे वो कर्नाटक का बीजेपी ऑफिस हो चाहे वो दिल्ली का, दोनों ही जगह तस्वीरें कुछ ऐसी, पूरे देश भर में बीजेपी ऑफिस में ऐसी ही कुछ तस्वीरें मिल रही है।
जनादेश किसको मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी से दयाशंकर जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से अब्दुल हाफिज गांधी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और नोएडा यहाँ स्टूडियो से राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही मेरा होगा। दयाशंकर जी, रुझानों में आप आगे हैं, सरकार आपकी कर्नाटक में भी बन रही है और 22 राज्य अब हो गए हैं आप लोगों के पास, क्या चुनौती मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी कर्नाटक में? मुझे लगता है मनीषा, इस तरह का जो जनसंग्रह जब आता है और जनमत पक्ष में जाता है किसी पार्टी के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सरकार फॉर्म करने के बाद वहां सुशासन को लागू करना, वहां उस राज्य में विकास को लाना, और इसी को हम प्राथमिकता देते हैं क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत ही यही है, सबका साथ सबका विकास। और कहीं ना कहीं कर्नाटक की पूरी सम्मानित जनता ने इस बात में विश्वास जताया है कि जो ये पार्टी कह रही है या इसका जो नेतृत्व कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है और ये भरोसा करने लायक बात है, इसीलिए उन्होंने भरोसा करके हमें बहुमत दिया है। अब हमारी सरकार बनेगी। यदि घटनाक्रम पर ध्यान दें आप, तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो पार्टी की प्राथमिकताओं के बारे में बताएंगे। साथ ही 3 ही बजे माननीय येदियुरप्पा जी बेंगलोर से चल रहे हैं और वहां पहुंच रहे हैं। शाम के टाइम पर प्रधानमंत्री भी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। चूंकि इतनी बड़ी पार्टी को नेतृत्व देना, ये हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों की अगुवाई में ये लड़ा गया है, इसलिए ये लोग सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। और 6 बजे जो जानकारी है कि संसदीय दल की हमारी अभी मीटिंग होनी है उस बोर्ड की, उसमें ये सब चीजें तय हो जाएंगी। वैसे तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट पहले से ही तय किया जा चुका है। चलिए, तो मेरा कहना ये है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री का होना, उसके बाद शपथ ग्रहण करना और उसके बाद जो हमारे संकल्प पत्र है उसका क्रियान्वयन करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और जो सीख होगी कांग्रेस के लिए वो ये होगी, जैसा कि अभी मेरे भाजपा के ही मित्र कह रहे थे, सबसे बड़ी सीख योग होगी कि आप जमीन पर जाइए, हवा हवाई बात करने से आज की जनता गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा का मित्र नहीं हूं सर, सतर्क है। और हम भी, मैं भाजपा का मित्र नहीं हूं सर, बात ही नहीं कर रहा हूं, कहां परेशान हो गए? ठीक है, आप हमारे एक ऑलरेडी, आप शायद आप क्लियर नहीं है कि कोई और बोल रहे थे, उनका रेफरेंस मैं ले रहा था। अच्छा, मेरी पार्टी से जो बात हो रही थी, मेरे पार्टी के ऑलरेडी नेता एक बात कर रहे थे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मित्रता करने में कोई हर्ज नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर आप मित्र हो भी सकते हैं, इसमें इतना बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आज तो मैं चाहूंगा कि आज कोई ऐसी हम लोग उठपटांग बात ना करके बल्कि आपकी शुभकामनाएं प्राप्त करें ताकि हमारी सरकार अच्छा कार्य कर सके। मुझे लगता है कि मनीषा जी, आज का जो जनादेश है, जो हमारे पास चुनौती आपने पूछी थी वो यही है कि हमें सुशासन लाना है राज्य के अंदर और उसका विकास करना। ठीक है, अब्दुल हाफिज गांधी जी, दयाशंकर जी ने कहा जो चुनौती होगी वो बहुत बड़ी है, उस पर खरे वो उतरेंगे, लेकिन विकास की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, प्रदेश में विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में जो बातें कही गई, आपको लगता है कि यहाँ विकास के नाम पर वोट मांगे गए हैं जनता से? देखिए मनीषा जी, मैं समझता हूँ कि बीजेपी द्वारा जो भी इशू उठाए गए वो कर्नाटक के अंदर नॉन इश्यूज थे, इमोटिव इश्यूज थे। और अगर आप कर्नाटक की पूरी पॉलिटिक्स देखें तो वहाँ के जो जमीनी मुद्दे थे वो किसी भी पार्टी ने वहाँ पर एक तरह से नहीं उठाए हैं, और पूरा का पूरा चुनाव जो है इमोटिव इश्यूज पे लड़ा गया है, इतिहास पे लड़ा गया है, और वो भी गलत इतिहास बताकर लड़ा गया है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह का सुशासन लाने की बात करते हैं, क्योंकि आज जो मुद्दे हैं वो सड़क बिजली पानी के मुद्दे हैं, आज महंगाई का मुद्दा है, आज करप्शन का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कौन प्रत्याशी लेकर आती है चीफ मिनिस्टरशिप का, जो करप्शन चार्जेस में जेल जा चुके हैं? भारतीय जनता पार्टी को और कोई लीडर नहीं मिलता है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 7 टिकट रेड्डी ब्रदर्स को दिए और रेड्डी ब्रदर्स 35,000 करोड़ के माइनिंग स्कैम में फंसे हुए हैं। इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए, आपने भी बताया था कि माननीय न्यायालय से वो बाई इज्जत बरी हो चुके हैं और वहां की जनता ये समझ चुकी है, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये मनगढ़ंत आरोप है, इसीलिए वहां की जनता ने हमको बहुमत दिया है। गांधी जी, प्लीज गो अहेड। देखिए, आपने भी मनीषा जी बताया था कि 1985 के बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, तो ये कर्नाटक का एक तरह से ट्रेंड है।
आप अच्छा काम कीजिए, बुरा काम कीजिए, लेकिन 1985 के बाद ये देखा गया है कि कोई भी सरकार वहां पर नहीं आती है। अगर आप जॉब क्रिएशन के मामले में लें तो कर्नाटक का नंबर वन है जॉब क्रिएशन के मामले में। और अगर आप वहां पर जो स्कीम्स देखें तो स्कीम्स, ये सीएसडीएस का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, सीएसडीएस लोकनीति ने एक सर्वे किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि एक बड़े तबके तक वहां की जो स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंची हैं, या जो जो सिद्धारमैया ने काम किया है। लेकिन चूंकि वहां ट्रेंड है हर 5 साल बाद सरकार बदलने का, तो वहां पर इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे वो करप्शन से लड़ने की बात हो या भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये देखिए प्रधानमंत्री जी ने लंदन में कहा था कि रेप शुड नॉट बी मेड द पॉलिटिकल इशू, रेप को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी फिर चर्चा पर आएंगे, लेकिन उससे पहले काजगंज ले चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। जनता की ओर से अनुमन्य सहायता के साथ साथ जो लोग इस आपदा में गंभीर रूप से घायल हैं उन सबके उपचार की व्यवस्था के साथ साथ जो अन्य हानि हुई है, इस दृष्टि आज कासगंज के दौरे पर मैंने ग्राम फरोली और आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया है। एक महीने में चौथी बार भीषण चक्रवाती तूफान के कारण व्यापक जनधन की हानि उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश के अंदर हमने सभी मंत्रियों को, जनपद के जितने भी हमारे जिलाधिकारीगण और अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, उन सबको इसके बारे में पहले ही सतर्क करके ये प्रयास किया है कि 24 घंटे के अंदर सभी प्रभावित और पीड़ित परिवारों को सहायता प्राप्त हो जाए। इसी क्रम में मैं स्वयं भी आज कासगंज जनपद में आया हूँ, मैंने इन सब कार्यों का यहाँ अवलोकन किया है, देखा है, और पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाई गई है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी यहाँ पर प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हम हर पीड़ित परिवार तक सहायता पहुँचाएंगे बिना भेदभाव के, शासन से अनुमन्य सहायता उन तक पहुँचाने के अलावा अन्य हर जिस भी प्रकार से लोगों को सहायता पहुँचाई जा सकती है हम पहुँचाएंगे। साथ ही साथ मैं उन परिवारों से मिला हूं जो अभी 2 दिन पूर्व एक डकैती की घटना में 3 लोगों की निर्मम हत्या यहां कर दी गई थी अवंतीबाई नगर में, उन पीड़ित परिवारों से भी मिला हूं। मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन परिवारों को हम लोगों ने सहायता उपलब्ध करवाई है। प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो घायल परिजन हैं उन सब को भी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए यहाँ के जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम लोगों से मिलने गए जो यहाँ पर डकैती की घटना हुई थी, उसमें 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उनके परिवारजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही फूड पॉइजनिंग के जो बच्चे शिकार हुए थे उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले। इसके अलावा सीएम योगी ने तूफान से जो लोग ग्रसित थे उनके परिजनों से, उन लोगों से भी मुलाकात की और यहाँ सहायता राशि क्या कुछ दी जाएगी, क्या कुछ मदद की जाएगी, उसकी बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बता दें आपको सीएम योगी आज कासगंज दौरे पर हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने कर्नाटक में मौजूद नेता गुलाम नबी आजाद से बात की है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने गुलाम नबी को मंथन के लिए कहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस जेडीएस नेता कुमार स्वामी को सीएम बनाने पर विचार कर रही है। रुझानों में बीजेपी को 106, कांग्रेस को 73 और जेडीएस को 41 सीटें फिलहाल मिलती नजर आ रही है और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी फिर आगे है। सोनिया गांधी ने कर्नाटक में मौजूद नेता गुलाम नबी आजाद से बातचीत भी की है और सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को मंथन के लिए कहा है। कांग्रेस जेडीएस नेता कुमार स्वामी को सीएम बनाने पर अब विचार कर रही है और अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं। रुझानों में फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार आगे नजर आ रही है।
चर्चा पर फिर वापस लौटेंगे और बात कर रहे थे किस तरीके से विकास की राजनीति होती है या फिर हिंदुत्व की, यहाँ पर तमाम अलग अलग मुद्दों को लिया जाता है। ए के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक सलाहकार हैं। ए के मिश्रा जी, आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझते होंगे क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं प्रचार के दौरान तमाम अलग अलग बातें की जाती है और जो संकल्प पत्र होता है उसमें अलग मैनिफेस्टो में अलग बातें होती है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर काम करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं फिर जनता असंतुष्ट नजर आ जाती है, जैसे कि अभी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस बार बीजेपी ने जैसे प्रचार किया, किस मुद्दे पर अब वो सरकार बनाएगी, किस मुद्दे पर काम किया जाएगा? नहीं मनीषा, देखिए देश में डेवलपमेंट करना या ग्राउंड लेवल पे जाकर के सड़क बनवाना या किसी भी तरीके का जो है विकास की बात करना या काम करना वो अलग चीज होता है, और चुनाव में महीने दो महीने के लिए माहौल बनाना, उस माहौल में चुनाव लड़के जीतना, वो टोटली एक अलग एजेंडा मुझे दिखता है और दोनों का कहीं कोरिलेशन नहीं है। क्योंकि अगर कोरिलेशन होता तो जो मैनिफेस्टो में होता है वो पांच साल में पूरा क्यों नहीं हो पाता है? बहुत सारे वादे ऐसे होते हैं जो प्रोमिसेस पूरे नहीं हो पाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे वादे ऐसे कर दिए जाते हैं जिनके बारे में पांच साल में कोई बोलता भी नहीं है सरकार बन जाने के बाद। तो कहने का मुद्दा यह है कि मुझे लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां वो एक महीने के माहौल को देख करके वादे बनाती हैं और इस तरीके से बोलते हैं या इस तरीके से कैंपेन करते हैं कि पब्लिक को कहां पे उनके पॉलिटिकल मतलब सेंस को देखते हुए कि पब्लिक को कैसे थ्रिल किया जाए, उनके साथ एक साइकोलॉजिकल लगाव कैसे किया जाए, एक पॉलिटिकल जो है साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग कैसे डेवलप की जाए, कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। तो इन दोनों चीजों को मैं एकदम अलग मानता हूं। भारत जैसे विशाल देश में रियल मायने में डेवलपमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे ये लगता है कि अभी कोई सरकार इतनी सक्षम नहीं है। उसका रीजन है, देखिए कोई भी सरकार आई है 1947 के आजादी के बाद से महंगाई लगातार जारी है, मतलब बढ़ रही है, रुपए का डीवैल्यूएशन हमेशा हो रहा है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार निगेटिव वे में ग्रो कर रही है। सरकारें बदलती गई लेकिन रुपए का डीवैल्यूएशन जो है होता जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो एक बहुत इंटीग्रेटेड और लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, वो ऐसा नहीं है कि एक महीने दो महीने एक साल दो साल में कर दिया जाएगा, वो एक अलग इशू है। चुनाव जीतना एक अलग इशू है, और भारत में राजनीतिक पार्टियां, मेरे ख्याल से सारी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को, इस आर्ट को बखूबी समझती हैं कि कौन से प्रदेश में ऐसा कौन सा मुद्दा उछाला जाए कि डेवलपमेंट हो या ना हो। जैसे एक चीज ये बताइए कि चुनाव जीतेंगे तो जी हम उनको लैपटॉप देंगे, हम उनको मोबाइल देंगे, इसे लालच दिया जाता है। नहीं नहीं, इससे कंट्री का रियल डेवलपमेंट होगा? मैं रियल इकोनॉमिक पैरामीटर पे बात कर रहा हूँ। सड़क बनाने की कोई बात नहीं करेगा, फ्री एजुकेशन की कोई बात नहीं करेगा। आप ये देखो कि कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं फ्री सुविधा जो है चिकित्सा की सब लोगों को दूंगा, ये सब चीजें नहीं करेंगे। बस चीजें ये करेंगे कि हम इनको इतने परसेंट का रिजर्वेशन दे देंगे, हम लैपटॉप दे देंगे, हम मोबाइल दे देंगे, इसका इंपैक्ट तुरंत पड़ता है, आदमी खुश हो जाता है। ठीक है मिश्रा जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक की हार से राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान, पार्टी के भविष्य पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये बड़ा बयान, कर्नाटक में जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जिस तरीके से पीछे चल रही है, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है पीएम पद के लिए पार्टी की ओर से बिल्कुल सही चेहरा है राहुल गांधी, और ये तमाम बातें नवजोत सिंह सिद्धू ने कही है। और रुझानों की अगर बात करें तो बीजेपी को 107, कांग्रेस 73, जेडीएस 40 सीटों पर आगे। और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, कर्नाटक की हार से राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और पार्टी के भविष्य पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही साथ पीएम का जो चेहरा है वो बिल्कुल सही चुना गया है। राहुल गांधी का 2019 में पार्टी के लिए काफी अहम रोल है। वापस चर्चा पर चलेंगे और सवाल पूछेंगे दयाशंकर जी से। दयाशंकर जी, राहुल गांधी एकदम परफेक्ट चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, हालांकि नतीजे तो साफ दिख रहे हैं लेकिन बावजूद इसके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कुछ गलत किया है, रणनीति गलत थी। मनीषा जी, जो सवाल आपने पूछा है, मन तो मेरा ये करता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं आज पहली बार। हालांकि एंकर की बातों को मैं कभी बीच में बोलता नहीं कि क्या आपको यदि एज ए पीएम चुनाव मत देना होगा तो दे पाएंगी कि नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। लेकिन ये इस तरह की बात करना, जब वो भी तब जब पार्टी की इतनी बुरी हालत है,
और कांग्रेस पार्टी में इतना वैक्यूम है, मुझे लगता है इनके साथ एक ये भद्दा मजाक है जो माननीय राहुल गांधी जी के साथ नवजीत जी कर रहे हैं, या यूं कहिए कि इन्होंने मजाक ऐसा ही किया है जैसा वो कपिल वाली शो में किया करते हैं। आदमी तो बहुत सही थे, हमने देखा है हमारी पार्टी में वो रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये नई नई चीज़ें कहाँ से सीख ली है भद्दा मजाक करने की। खैर, उनके विचार उनके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे तो अपनी पार्टी के बारे में बात करना है। जो माननीय मिश्रा जी अभी कह रहे थे, मिश्रा जी की बातों से मैं बहुत इत्तफाक रखता हूँ। वॉट ही इज ट्राइंग टू टॉक इज दैट वॉट वी शुड स्पीक वी शुड एग्जीक्यूट ऑन द ग्राउंड। जो भी हमारी कथनी है वो करनी में परिवर्तित हो। मिश्रा जी, इतना तो आप ही भरोसा रखते हैं कि चीजें कुछ बेहतर तो हुई हैं, तभी हमने एक कल देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधा सीधा बात किया था। उनको भी कहीं कहीं लग रहा है कि जिस तरह से हम पहुंचाना चाहते हैं जिस लेवल पर, कतिपय कारण कुछ भी हो, लेकिन शायद उस लेवल तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं, इसीलिए 48 मंथ्स वर्सेज 48 ईयर्स की बात कल चली है। और हम लोग, आप एक चीज को कह नहीं सकते, चाहे वो रोड टूटी फूटी हो, लेकिन घर घर जाने की परंपरा, बूथ तक जाने की परंपरा, लोगों से मिलने की परंपरा, ये उसी का नतीजा है कि आज कर्नाटक में हमारी जीत हुई है। आप बिल्कुल सही कह रही थी मनीषा जी कि आपके बारे में ये सूचनाएं जो आती रहती हैं, कभी भ्रष्टाचार की जो गांधी साहब कह रहे थे, कभी कुछ, लेकिन येदुरप्पा को जानने के बाद भी कि उनके खिलाफ आरोप लगे थे, लेकिन जैसे ही न्यायालय से उबाई जत बरी हुए और जैसे उलझुल के आरोपों के बारे में जनता को पता लगा, ये मौका था जनता के लिए फैसला लेने का, उन्होंने मन बनाया, और ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, ये ठोस रूप से मन बनाया है 5 साल कांग्रेस की सरकार को देखने के बाद कि इनकी क्या है, इनके मूलभूत सिद्धांत क्या है, ठीक है। इन्होंने एक अपने लिए ऑरा डेवलप कर लिया है जिसमें वैक्यूम है, और लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचार की जो परिणति होती है वो केंद्र से होती है, केंद्र में सरकार भ्रष्टाचारी, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं, इसलिए भाजपा ही इनका पर्याय था जो कि भाजपा बहुमत से आ गई। ठीक है, अब्दुल हाफिज गांधी जी, क्या ये जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर जीत रही है कर्नाटक में, आप लोग स्वीकारते हैं, विपक्ष इसे आसानी से स्वीकार रहा है कि अपनी गलती है, रणनीति सही नहीं बनी थी इसीलिए बीजेपी जीत रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर अलायंस से लड़े होते, अगर आप वोट प्रतिशत देखें कांग्रेस का और जेडीएस का, तो कहीं बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर ये अलायंस से लड़े होते तो आज रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट के साथ भाजपा इलेक्शन लड़ती है, क्योंकि भाजपा इलेक्शन मोड में पूरे साल रहती है, एक चुनाव जीतने के बाद दूसरा चुनाव जीतने के लिए वो तैयारी करती है। हाँ, जब सरकार बना लेते हैं तो परफॉर्मेंस पे नहीं रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जरूर बनाई, लेकिन योगी जी कंपेन करेंगे, और जिन चीजों का वादा कर रहे थे उन चीजों में उत्तर प्रदेश में फेल है। कानून व्यवस्था का वादा कर्नाटक में कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था क्या है, चिकित्सा व्यवस्था क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, यहाँ पर रेप हो रहा है और वहां पर रेप रोकने की बात की जा रही है। तो देखिए, परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं लोग, लेकिन हाँ, चुनाव इन प्रकरण जीतने में इन लोगों को महारत हासिल है, और ये विपक्ष को कहीं ना कहीं इन लोगों से सीखना होगा कि किस तरह से चुनाव जीता जाए। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था कि 9,500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ कर्नाटक के चुनाव में खर्च हुए हैं। ये पैसा कौन खर्च कर सकता है जो सत्ता में है? बीजेपी जो है इतना चुनाव प्रचार पर और चुनाव मैनेजमेंट में खर्च करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी खर्च नहीं कर सकती हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी दयाशंकर जुबे जी बहुत परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि चाहे वो करप्शन के मापदंड हो, उसमें भी दोहरा मापदंड है, चाहे वो जो लोकतांत्रिक संस्था है उनको कमजोर करने की बात हो, पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर आपका जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, आपका जो है लोकपाल अपॉइंट ना करना, जो जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा पे आ जाइए, तो ये जो है पीड़िता के साथ खड़े दिखाई नहीं देते, बल्कि आरोपियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उसके बाद पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे आ जाइए, पूरा कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े, लेकिन जैसे ही कर्नाटक का चुनाव हुआ डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा था, जब निकाय के चुनाव हुए थे तो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़े, बिजली के जो है वो बिल नहीं बढ़े, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव खत्म हो जाते हैं अगले दिन ही जो है यहाँ पर बिजली के जो है जो बिल है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से और भी आप मापदंड देखें, चाहे वो जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, या और भी इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हो, प्राइस राइज हो, यहां पर भारतीय जनता पार्टी फेल है। भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है, एक पूरा एक्रोनिम का बाजार खड़ा किया है, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, दिस इंडिया, दैट इंडिया, स्वच्छ भारत, और जब हम इनसे पूछे कि इनकी हकीकत क्या है तो सब खोखला है और सब जुमलेबाजी है। स्किल इंडिया इतना बड़ा फेलियर है,
कि 15% का सक्सेस रेट है स्किल इंडिया का, और मेड इन इंडिया तो पूरी तरह से बर्बाद है। आपने देखिए चाइनीज प्रोडक्ट किस तरह से भारत के अंदर आ रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए कि स्वच्छता अभियान का क्या हुआ, या मां गंगे की जो सुरक्षा, जो सफाई का अभियान की बात की थी उसका क्या हुआ, मां गंगे ने बार बार प्रधानमंत्री जी को बुला रही है और कोटो बनाने की बात बनारस को की थी, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद बनारस के अंदर गांव अडॉप्ट किया था उसके क्या हालात हैं, तो परफॉर्मेंस के इंडिकेटर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। आगे इमोटिव इश्यूज पे इलेक्शंस लड़ते हैं, दयाशंकर जी इतिहास में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, दयाशंकर जी वहां पर ये कहीं ना कहीं इतने सारे आरोप एक साथ आप लोगों की पार्टी पर कि एक राज्य में या जिन भी राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन जहां सरकार बनानी है, जहां चुनाव है, वहां तमाम वादे, इसका जवाब दे दीजिए आप। मनीषा जी, गांधी जी जो लगातार रैपिड फायर कर रहे थे उसको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और मुझे लग रहा है कि गांधी जी ठीक है। दयाशंकर जी आप बोलिएगा, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर। 6 मौतें अकेले कासगंज जनपद में हुई थी, पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में अलग अलग प्रकार से आपदा के शिकार लोग हुए थे, इसलिए सबसे प्रभावित जनपद में ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं उन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, सरकार के द्वारा अनुमन्य सहायता उन्हें उपलब्ध करवाई गई है, अन्य पीड़ित लोगों से भी हम लोग मिले हैं। हमारा ये प्रयास है कि किसी भी आपदा में सबसे पहले बचाव के प्रभावी उपाय किए जाएं, बचाव के बाद अगर फिर भी आपदा की चपेट में कुछ लोग आते हैं तो उन्हें समय से राहत उपलब्ध हो जाए, 24 घंटे के अंदर उन सभी पीड़ित परिवारों तक राहत पहुंचाना, इसके लिए प्रभारी मंत्रियों को उन जनपदों में भेज करके तत्काल राहत कार्यों को आगे करने के लिए, जनप्रतिनिधि माननीय सांसद माननीय विधायकों के माध्यम से राहत कार्यों को आगे करने के लिए पहले से निर्देश जारी किए गए थे, जो कि 6 मौतें अकेले कासगंज जनपद में हुई, इसलिए मैं स्वयं भी यहाँ पर आ जाया हूँ। साथ साथ मैंने यहाँ पे विकास कार्यों की समीक्षा भी की है, खासतौर पर जो ग्राम स्वराज अभियान अभी 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से प्रारंभ हुआ था, उस ग्राम स्वराज अभियान में 14 अप्रैल से 5 मई तक एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत लाभार्थी परक योजनाएं, जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री तमाम अन्य जो योजनाएं थी केंद्र और प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब की भी समीक्षा यहां पर हुई। जनप्रतिनिधियों ने काफी रुचि इसमें ली और उसका परिणाम था कि बहुत बड़ी मात्रा में लाभार्थी उन योजनाओं से लाभान्वित हुआ है। मुख्यमंत्री चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे, लेकिन वापस चर्चा पर आएंगे और दयाशंकर जी आपसे जवाब ले रहे थे इस बात का कि इतने सारे आरोप एक साथ आप पर लगा दिए गए हैं, इसका जवाब दे दीजिए। आज लगता है मनीषा जी शायद आज के आरोपों का जवाब देने का इसलिए समय नहीं है कि आउट ऑफ थोड़ा कंटेस्ट हम चले जाएंगे, लेकिन ये सत्य है कि देखा होगा आपने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कर्नाटक गए थे, उन्होंने भी प्रचार करा था। सवाल तो वाजिब है, जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है दयाशंकर जी, जिन प्रदेशों में आप लोगों की सरकार है वहां पर आप वादों को पूरा नहीं कर रहे और दूसरे प्रदेश में वादे कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों को काम को पूरा करेंगे, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं सीधा उत्तर प्रदेश पर ही आता हूँ मनीषा जी, तो जिस तरह से भाई अमित शाह और माननीय मोदी जी की जोड़ी के नेतृत्व में वहां पर हुआ है कार्य, बहुमत आपके सामने है, इतने सारे जो इन्होंने आरोप लगाए हैं गांधी जी ने, ये इनका अधिकार है, विपक्ष में बैठे हैं, प्रशंसा करना शुरू कर देंगे तो इनका खुद का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए जो भी ये कर रहे हैं इनको करना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और ये तो काफी सुलझे हुए व्यक्ति है, इनकी बातों को ना बुरा मानता ना अटपटा मानता मैं, विद्वान व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं जो इनका विपक्ष का धर्म है। रही बात उत्तर प्रदेश की, इनको शायद दिख नहीं रहा है, इनके जो अच्छे कार्य है यदि उनकी गणना की जाए तो कितना बढ़िया इन्होंने ये रिवर फ्रंट बनवाई थी, कितना बढ़िया मेट्रो को स्टार्ट कर दिया था, कितना जल्दी से स्टार्ट कर दिया था, एक्सप्रेसवे को इन्होंने उद्घाटन करके बना दिया जिसको कि चलने लायक नहीं थी, फिर भी इन्होंने जल्दी से जल्दी बड़ा जल्दी काम कर देते हैं, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है। जहां तक घोटालों की बात है,
ये देखिए कोई यादव सिंह है, कोई कुछ है, 200 लोग आ रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक चीज आप भी मानेंगे मनीषा जी, ये चाहे केंद्र हो चाहे एक साल की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आज तक सपा जो कि कांग्रेस की हिमायती बनी हुई है आज के तारीख में, जबकि इनकी खुद की कांग्रेस इनको कहती है कि 27 साल यूपी बेहाल, इनको किसी चुनाव में गठबंधन नहीं करती, आज सपा इस स्थिति में है कि एक कैराना में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकती, वो पार्टी ऐसी स्थिति में है कि नाच न आए आंगन टेढ़ा। मनीषा जी वो हमको रास्ता दिखा रही हैं जी। तो इनकी स्थिति तो वही है कि जैसे एक बहरा चेला हो और गुरु हो, जो एक दूसरे को खाते तो अब क्या कहें गुड़ है लेकिन दिखाते ढेला है। इनके बारे में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, आज का दिन हमारे लिए अच्छा दिन है, हम कर्नाटक की जनता को आभार व्यक्त करेंगे, अपने नेतृत्व में आस्था रखेंगे और हमारी भाजपा की सरकार वहां बनेगी, इसके लिए शुभकामनाएं हम गांधी जी से भी मांगेंगे। और मिश्रा जी को हम आश्वस्त करेंगे कि सर आपका जो उठाया हुआ बिंदु है ये बिल्कुल सही है और ये इस सम्मानित चैनल के माध्यम से हमारे पार्टी में भी जा रहा है और मैं भी जिस हद का हूं उस हद तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिश्रा जी यू आर वेरी जेन्युइन इन योर ऑब्जर्वेशन एंड वी आर ग्रेटफुल, द होल पार्टी इज ग्रेटफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है ये कहेंगे इनमें कोई दिक्कत नहीं है और इनको कहना भी चाहिए। चलिए ठीक, लेकिन आप जानिए कि सबका साथ सबका विकास, ये है हमारा संकल्प। चलो उम्मीद यही रहेगा दयाशंकर जी के विकास के मुद्दे पर वहां पर काम किया जाएगा कर्नाटक में भी। अब्दुल हफीज जी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उससे पहले एके मिश्रा जी, भले ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, भले ही कहा जा रहा है कि ठीक है जिन राज्यों में सरकार है वहां पर काम कर रही है, नहीं कर रही सरकार अलग बात, लेकिन सच्चाई को भी तो नकारा नहीं जा सकता। सच्चाई तो यही है कि जनता बीजेपी को पसंद कर रही है, क्योंकि अगर एक दो राज्य में सरकार बनती तो हम शायद इसको नकार देते, 22 राज्यों में सरकार। नहीं देखिए, जो जीता वही सिकंदर वाला फार्मूला तो लगता ही है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई इलेक्शन अगर आप लड़ रहे हो तो हर आदमी इसलिए लड़ता है कि हम जीते हमारी सरकार बने, कोई हारने के लिए या ये इन सब चीजों के लिए तो लड़ता नहीं है। आप दोनों चीजों को अलग अलग करके देखिए, किसी स्टेट का विकास, किसी पॉपुलेशन का विकास, देश का विकास एक अलग चीज है और इलेक्शन ये जो एक शॉर्ट टर्म आता है महीने दो महीने तीन महीने का इवेंट, इसको जीतना अलग चीज है। अब आप एक चीज ये देखिए, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं या डे टू डे लाइफ में जो बहुत सारी चीजें दिखाते हैं लेकिन वो फैक्ट नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है, समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी की भी सरकार कभी बहुत बहुमत से जीती है, मायावती जी भी बहुत बहुमत से जीती है, कांग्रेस भी बहुत बहुमत से जीती है। क्या उन्होंने जितने वादे किए थे सारे वादे पूरे हो गए? मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, मायावती जी को सबसे ज्यादा दलितों का मसीहा माना जाता है, चलिए उनकी सरकार 10 साल 15 साल रही लेकिन अभी आंदोलन इसलिए हो रहे हैं कि जी दलितों का विकास नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? मायावती जी भी जब थी तब भी क्यों नहीं दलितों का विकास हुआ? तो मेरे कहने का मतलब जो असली मुद्दा है वो मुद्दा उठाने वाले भी सरकार में जाकर के वो मुद्दा भूल जाते हैं डेवलपमेंट का, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। चूंकि पब्लिक की जो एक साइकोलॉजी होती है इन चीजों को इनकरेज करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी होशियार है। देखिए होता क्या है, ऐसी क्या चीजें बोली जाए, ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया जाए। अब अखिलेश यादव जी ने एक बार ये बोला था कि अगर हम केंद्र में आएंगे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुसलमानों को 20% या 15% रिजर्वेशन देंगे। अब देखिए इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है, ये सबको पता है कि आप केंद्र में अभी तो नहीं आने वाले हो लेकिन आपने एक मुद्दा उठा दिया ताकि हो सकता है उसका बेनिफिट आपको मिल जाए। तो ये बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां सारे पॉलिटिशियंस ये करते हैं और मुझे लगता है जीतने के बाद 5 साल भी 70% इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं और इसके कारण क्या होता है कि सारा विकास का जो मुद्दा है वो पीछे हट जाता है, केवल एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, अपने आप को बचाना, टांग खींचना, इसी में लगे रहते हैं और जो विकास का मुद्दा है वो पीछे खत्म हो जाता है। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी परमेश्वरम ने चुनाव जीता है। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरातगिरी सीट पर 9900 वोटों से जीत दर्ज की है और अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी को 108 सीटें मिलती नजर आ रही, कांग्रेस को 72, जेडीएस को 40। बड़ी खबर, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी परमेश्वरम ने चुनाव जीत लिया है। कोरातगिरी सीट पर 9900 वोटों से जीत दर्ज की है, रुझानों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, कांग्रेस को 72 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है।
वापस चुनाव यहाँ पर जो चर्चा चल रही है उस पर चलेंगे, और सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भी जीतती हुई नजर आ रही है और वहां पर सरकार बनाएगी, लेकिन इस चुनाव के नतीजों का, यानी कि कर्नाटक में चुनाव के नतीजों का असर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होने वाले चुनावों पर कितना पड़ेगा, और 2019 चुनाव में कौन सी करवट देश की राजनीति अब बैठती है, ये भी देखना होगा। इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है कर्नाटक चुनाव के नतीजे। जी नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं मनीषा, ये जो 2019 या आगे आने वाले स्टेट के चुनाव है एमपी छत्तीसगढ़ में, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बानी, ये हमारे यहाँ की कहावत है। कर्नाटक में ही अगर एक महीने बाद इलेक्शन करा दिया जाए तो हो सकता है नतीजे कुछ और हो जाए। इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स या इलेक्शन जो होता है, यहाँ पे नतीजे बड़े तेजी से चेंज होते हैं। 2019 के इलेक्शन से कोई कोरिलेशन मैं नहीं देखता हूँ। सारी पार्टियां ये बोलेंगी कि हाँ जी हम जीतेंगे, ये देखिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। मैं बता रहा हूँ फर्क कहाँ पड़ता है मनीषा, फर्क ये पड़ता है कि जो जीतने वाली पार्टी है उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो जाता है, तो वो तुरंत दूसरे चुनाव के इलेक्शन में लग जाते हैं। हारने वाली पार्टी जो एक शॉक के कारण बहुत दिनों तक वो निष्क्रिय हो जाती है, उनके अंदर रीशफलिंग होती है, रीस्ट्रक्चरिंग की मांग जो है वहां पे पड़ती है, तो उनको टाइम लगता है अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। फर्क केवल मनोबल के और कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आने वाले चुनावों में, अगर इस फैक्टर के जरिए भी असर पड़ता है। वैसे तो एक एक सीढ़ी की सफलता मिलकर के ही पूरी की पूरी सफलता मिलती है, एक एक कदम चल के जो है कोसों का या मीलों का सफर तय कर लिया जाता है। देखिए मैं यही विपक्ष को बोलना चाहता हूं जो मैंने अभी पहले सेशन में बोला कि आप किसी भी इलेक्शन को एकदम हल्के से मत लीजिए, क्योंकि अगर आप इलेक्शन हारते हो तो केवल हार आपकी हार नहीं होती है, लेटेंट वे में छुपे तौर पे आप देखोगे तो आपको इतना डेंट होता है, इतना नुकसान भीतर भीतर पहुंचता है। देखिए आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है, बहुत सारे जो नेता होते हैं उनके पद में चेंज हो जाता है, कुछ रूठ जाएंगे, कुछ छोड़ के दूसरे उसमें चले जाएंगे। तो जब आप चुनाव हारते हो ना, तो जो लीडर है उसका विश्वास, लोगों के अंदर जो विश्वास है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में जो विश्वास है, वो विश्वास वो खोता जाता है, और इन सारे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इलेक्शंस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल, दयाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे थे। दयाशंकर जी, जी मैं ये बस मिश्रा जी की बातों को आगे बढ़ाना चाह रहा था मैं, कि एक हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुए थे एक ही दिन में, दो कंस्टिट्यूएंसी का, फूलपुर का और गोरखपुर का। जब हम वहाँ चुनाव हारे तो यही हुआ कि ये सेमीफाइनल है 2019 को, जो कि हम बार बार कह रहे थे कि ये बाई इलेक्शन है, लेकिन इतना हावी हो गए बसपा, सपा और जितने थे हमारे दो एलाइज को छोड़ करके, सबके सब लामबंद हो गए, वो सीट जीत भी लिए, लेकिन उन्होंने उसको टेस्ट मार्क बना दिया कि ये बेंच मार्क होगा, यहाँ से अब टेस्ट शुरू हो गया 2019 का। कहीं ना कहीं मैं मिश्रा जी की बातों से सहमत हूँ कि आप ये नहीं कह सकते, कर्नाटक का चुनाव हुआ कर्नाटक के क्षेत्र के लिए हुआ है, कर्नाटक के विकास के लिए हुआ है, वहां की जनता के लिए विकास हुआ है, दोनों पक्षों ने अपना अपना रखा है दलील एक तरह से, और इसके ऊपर विचार करके जनता ने फैसला किया है। दूरगामी परिणाम किस चीज के होते हैं, देखिए ये दो तीन चुनावों की जो बात हो रही है, तीन प्रदेशों की, ये लगभग लगभग कहीं ना कहीं केंद्र के चुनाव के आसपास ही है, बहुत थोड़ा ही फर्क है। तो इसके बाद जो भी मनसा बनेगी वो अस्पष्ट तौर पर यह मनसा बनेगी कि क्या करना है, केंद्र में किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। तो मेरा मानना यह है कि ये एक चुनाव हुआ है या एक दो बाई इलेक्शन हुए हैं, हालांकि यदि ये चुनाव गलती से हम हार जाते तो ये हमारे ऊपर टूट पड़ते, लेकिन फिर ये नासमझी होती इनकी भी। मेरा मानना यह है कि आज यदि जरूरत है तो आज का समाज ऐसा हो गया है जो अपने नेता को अपने साथ देखना चाहता है चलते हुए, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी घर घर जा करके वो देखती है, हमेशा चुनाव मोड में हमारा संगठन और कार्यकर्ता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें हमारे जो भी वोटर हैं मतदाता, उन सम्मानित मतदाताओं का साथ छूट जाए, जो कि कांग्रेस और सपा के साथ हुआ है कि वो छूट गए हैं। आज की स्थिति यह है कि यहां पर एक उपचुनाव हो रहा है और यहां के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए हम प्रभावी विपक्ष किसी को मानते हैं तो वो है सपा, लेकिन आज उसकी यह स्थिति नहीं है कि वो एक अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर सके। ये है गांधी जी, ठीक है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनके मन में एक तरह का डर तो बैठ ही गया है, जैसा कि मिश्रा जी कह रहे थे, और ये अंदर अंदर देखा आपने, घर में भी चिन्ह भिन्न हुआ,
पार्टी में भी छिन्न भिन्न हुआ, अब थोड़ा संभले हैं तो अब दूसरे को छिन्न भिन्न करने पर लगे हैं, जो इनका मोटो है। हमारा मोटो है सबका साथ सबका विकास, इनका मोटो है डेरा डालो घेरा डालो। अब देखते हैं भविष्य में होता क्या। बहुत सारे आरोप अब्दुल हफीज यहाँ पर भी लगे, आप जवाब दीजिए जी। देखिए मनीषा जी, कर्नल साहब ने कहा कि गठबंधन बनाना डर बैठना है, तो मैं कहूंगा ये डर तो आपको भी बैठा हुआ है, ये तो डर आपको बैठा हुआ है। आज एनडीए 45 पार्टियों का गठबंधन है, तो ये डर तो बहुत पहले आप में बैठ चुका था। मैं समझता हूं कि गठबंधन बनाना राजनीतिक पार्टियों की अपनी स्वतंत्रता है, और ये तो स्वतंत्रता मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। आप माना कि जो है विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन हम आपके युक्त भारत की बात करते हैं। हम आपके बगैर भारत को नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम हर आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम हर आइडियोलॉजी का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राइट टू डिसेंट, यानी हमसे मुख्तलिफ राय रखने का भी आदर हम करते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमसे अलग राय रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस लोकतंत्र का हिस्सा हो। हम आपकी तरह नहीं है जो ये मुक्त और वो मुक्त भारत की बात करें, हम हर किसी पार्टी का सम्मान करते हैं, और इसलिए हर पार्टी को ये हक देते हैं, ये अधिकार देते हैं कि वो किसी भी तरह के गठबंधन में जाए, वो किसी तरह का पैक्ट करे। मैं समझता हूं कि क्या रणनीति पार्टी की होगी ये हम डिसाइड करेंगे, हमारा कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा ये हम डिसाइड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं डिसाइड करेगी। हमें किस गठबंधन में जाना है, अपना विपक्षी कहीं ना कहीं जो कमजोर हो रहा है उसका एक यहाँ पर एक लूज पॉइंट माना जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप लोगों का लूज हो गया है, और कहीं ना कहीं ये होना लाजमी है, और तभी आगे की रणनीति और बेहतर बन पाएगी। देखिए ये जितनी भी जीत होती है वो किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किसी का कॉन्फिडेंस घटता है, लेकिन लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है। हमने भी बहुत सारे चुनाव जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे चुनाव हारे हैं। आप ये देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम था, लेकिन 5 या 6 साल सरकार चलाने के बाद उनकी सरकार गिर जाती है, और फिर 10 साल तक ये लोग लौट कर नहीं आते हैं। तो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। हाँ, हमें हार और जीत से सीखना चाहिए, जीत से भी सीखना चाहिए और हार से भी सीखना चाहिए। हम विपक्ष के तौर पर हर हार जीत से सीखते हैं, और इसीलिए हमने 2019 की तैयारी कर दी है। हम 2019 में एक लार्जर गठबंधन बनाने के पक्ष में हैं, जिसकी हमने शुरुआत कर दी है। उस गठबंधन का हिस्सा कौन होगा, उस गठबंधन का नेता कौन होगा, इन सारी चीजों के लिए अभी बहुत वक्त है। मैं समझता हूं कि अभी हमारा लक्ष्य है रिजेक्शन, कि जो ताकतें इस देश पर हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रही हैं, उनको रिजेक्ट करना है। हमें सेलेक्ट किसको करना है, ये पोस्ट इलेक्शन डिसीजन होगा। तो आज जो विपक्ष जो है वो बहुत मजबूत विपक्ष है, और आप देखिएगा कि कैराना में आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही है, और इसलिए पूरा का पूरा वो कम्युनल पोलराइजेशन करने की बात कर रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से हारी तो कराची के अंदर खुशियां मनाई जाएंगी। ये किस तरह की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी, कराची से क्या लेना देना उत्तर प्रदेश का, ये हमेशा इमोशंस पे खेलते हैं, ये कम्युनल पोलराइजेशन करते हैं, और इसलिए इन्होंने कोस्टल कर्नाटका के अंदर भी कम्युनल पोलराइजेशन किया, और योगी जी की बहुत सारे वहां पर सभाएं कराई। योगी जी से उत्तर प्रदेश संभलता नहीं है, लेकिन योगी जी को कर्नाटक में भेजते हैं, त्रिपुरा में भेजते हैं, और दूसरे कंपेनिंग कराते हैं। अरे योगी जी को यहां रहने दीजिए, आपदा आती है, सौयों लोग मारे जाते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा में बिल्कुल आपको उत्तर प्रदेश के लिए मौका दिया है। आप आपदा में इतने लोग मारे गए थे, और सिद्धारमैया ने कहा कि आपकी जरूरत उत्तर प्रदेश को है, कर्नाटका को नहीं है। आप सिद्धारमैया के कहने के बाद आप यहां पर आए, और एक दिन उत्तर प्रदेश घूमने के बाद दोबारा आप कर्नाटक चले गए। शर्म आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, कर्नाटक की जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश की लोगों की अपेक्षा है आपसे, आपको एक दिन बाद कर्नाटक नहीं जाना चाहिए था, और उसके बाद भी तूफान आया और कितने लोग मारे गए। आज आपको जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है माननीय योगी जी, आप कर्नाटक की जिम्मेदारी नहीं है आपके लिए। बिल्कुल, गुस्सा आपका जायज है। मेरा कहना यह है कि जो भी ये कह रहे हैं इनका गुस्सा जायज है, लेकिन एक बार ये बता दें, जब भी किसी शहादत के बाद 100 आता था, कितने 100 में माननीय अखिलेश जी गए, होता क्या था, एक मिनट प्लीज, जब मां बाप धरना दे दे पूरा गांव धरने पर हो जाता था, तो एक मंत्री बड़ा मुश्किल से पहुंचता था। आज हमारा मुख्यमंत्री आप देखिए, हॉस्पिटल से लेके गांव तक, आगरा तक, सब जगह वो गए, कहीं कोई जगह बचती नहीं है। और आप देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं कि वो कर्नाटक में भी थे, उत्तर प्रदेश में भी थे, लेकिन इनके यहां क्या कहा जाता है, ये हमको रेप की सिखलाई दे रहे, जैसा नहीं होना चाहिए, तो हम चाह भी कर रहे हैं। लेकिन आप ही के तो सबसे बड़े, जिनको मैं सबसे बड़ा कहता हूं, सबसे माननीय नेता,
कहते छोटी छोटी घटनाएं हो ही जाती है, अभी इससे ज्यादा मेरी कहने की हिम्मत नहीं है इस भाषा के ऊपर। इन लोगों की जो रीति रिवाज है वो जब ये राजकाज में रहते हैं तो उसी को अपना सिद्धांत मानते हैं जिसको वो हमारे लिए बुराई कर रहे हैं, लेकिन आज जब विपक्ष में है तो इनको नजर आ रही है जो आपने सुकर्म किए हैं वही आज आपको इस जगह पर लाया है। रही बात आप विपक्ष और मजबूती की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा जो मिश्रा जी इस पर अपना ऑब्जर्वेशन दे कि सर चार एमपी वाली पार्टी, जिस तरह से हम कभी दो एमपी की पार्टी होते थे लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम मजबूत विपक्ष हैं, लेकिन आज है। चार एमपी और पांच एमपी वाली पार्टी प्लस दो एमपी वाली ठीक पार्टी है, एक मिश्रा जी हमें कहती ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप लगातार आप लगाते रहते हैं अपना मिश्रा जी ठीक है, ये एक 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 कैंडिडेट ये खड़ा नहीं कर पा रहे हैं और आरएलडी यहां तक हिम्मत नहीं है कि आरएलडी के खिलाफ खड़ा कर पाए। एक मिश्रा जी आप इसको कितना सही समझते हैं? ठीक है, मैं सवाल पूछ लेती हूं, नहीं करेंगे आपको लगे, मैं एक बार सवाल पूछ लेती हूं एक मिश्रा जी से, सर आप इसको कितना वाजिब समझते हैं? जब चुनाव प्रचार चल रहा हो कर्नाटक में, सवाल सुन लीजिए, जब चुनाव प्रचार चल रहा हो कर्नाटक में, वहां मुख्यमंत्री रहते हैं, आंधी तूफान आता है, बहुत नुकसान होता है, वापस उत्तर प्रदेश आते हैं, लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं, इस पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, कितना वाजिब है ये मुख्यमंत्री का वापस कर्नाटक? गांधी जी जो आपने बोला है मैं बोलूंगा कि देखते हैं और गांधी जी का जो ओपिनियन है वो केवल एक पॉलिटिकल एलिगेशन है। यहाँ पे मैं निष्पक्ष होकर ये बोलना चाहूंगा, अरे मेरा मन होगा तो मैं जाके कर्नाटका में कांग्रेस का झंडा बुलंद करूंगा। आपके अखिलेश यादव जी ने भी तो बोला था वहां जाने के लिए, क्यों नहीं गए, क्यों प्लान कैंसिल कर दिया? चलिए अखिलेश यादव जी कर्नाटका नहीं गए तो ये जो लोग मरे थे उनके यहाँ हो गए हैं मिलने के लिए, मुझे तो पता नहीं वो गए हैं कि नहीं गए हैं। आप वो भी तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है ना, तो वो क्यों नहीं गए आगरा मिलने के लिए? जब मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी, अरे सर अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, इतने सारे एमपी आते हैं, क्यों आप लोग लखनऊ और हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं गए? देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, भारत एक यूनाइटेड है सर, किसी भी निभा रहे हैं। नहीं नहीं गांधी जी भी सरकार कुछ नहीं, नहीं गांधी जी बात सुनिए, भारत एक संघीय देश है, यहाँ के हर आदमी को जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने का हक है, अधिकार है, किसी भी चीज के लिए आप उसको रोक नहीं सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये विरोध कर ही नहीं रहे हम इसका, आपने यही तो बोला ना कि क्यों गए वो, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं आपको, नहीं नहीं कैंपेनिंग पे जाना चाहिए, लेकिन जब आपदा आपके प्रदेश में है तो आपको यहाँ होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, देखिए क्या होता है, जो मुख्यमंत्री है ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली उसी को सारा काम करना है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, ठीक है डिपार्टमेंट्स बने हैं, इतने सारे लंबे चौड़े चीजें हैं, हर आदमी मिलके करता है। अब उनको पता थोड़ी था कि भाई आपदा आने वाली है, ये चीज हो जाएगा। मैं योगी आदित्यनाथ का या बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, आपसे डिफर करूंगा, मौसम विभाग की खुली चेतावनी, मौसम विभाग की खुली चेतावनी है और आप देखिए कि कहीं डकैती पड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है सर, मौसम विभाग एक मौसम विभाग गारंटी नहीं देता है आएगा, चेतावनी और गारंटी में फर्क होता है। चलिए ठीक है, आंधी तूफान और आप आर्गुमेंट कुछ भी दे सकते हैं मनीषा जी, मनीषा जी आप जब पहले हो चुकी है आपदा और आपके बार बार अनुमान लगाए जा रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए प्रदेश ठीक है, जयशंकर जी आप बोलिए, पहली बार नहीं है, एक बार पहली बार नहीं है, बार बार हमने देखा है आपदाओं के वक्त में जब उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी की जरूरत होती है, आपकी बात हम समझ गए कि प्राथमिकता पहले अपने राज्य की है, उसके बाद दूसरे राज्य में भले ही वो चुनाव प्रचार करने जाए कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है जयशंकर जी आपकी बात जी। गांधी जी की बातों को ही ऐड करूंगा मैं, मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री अपने आप में एक संस्था है। अब आपको मैं और स्पेसिफिक हूं तो एक बताऊं कि मुख्यमंत्री के पास अपना एक प्रमुख सचिव खुद होते हैं निजी सचिवालय में, एक प्रमुख सचिव, कम से कम चार सचिव और मेरी जानकारी के हिसाब से सात विशेष सचिव इसी काम पर लगे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह छोड़ दीजिए। और दूसरी बात कि जब भी मुख्यमंत्री चलते हैं तो उनके साथ इतना अमला चलता है जो उस काम को निभा सके, इमरजेंसी कोई आपदा आती है तो मुख्यमंत्री कहीं से भी रह करके, जैसे आप सेना का ले लीजिए कि कमांड पोस्ट एक होती है जो कहीं दूर होती है 100 किलोमीटर पीछे, लेकिन लड़ाई जो होती है डीजीएमओ कराता है दिल्ली से और पूरी लड़ाई करके हम दुश्मन के देश में घुस जाते हैं, वहां जो हमें चाहिए वो कर देते हैं, अकेले काम नहीं करेंगे, उनके पास डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री अपने आप में एक संस्था है। आखिरी सवाल दिया, समय से आपने उस संस्था का यूज नहीं किया वो आपकी गलती, आखिरी एक मिनट का समय है, सवाल ये है कि राहुल गांधी कर रहे हैं ठीक है, आपकी बात समझ गए, आपकी बात समझ गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले ये सारा काम नहीं करेंगे, उन्होंने कार्यभार घटनाएं हुई फिर भी आपके
जब नेतृत्व नहीं, जब नेतृत्व नहीं होता है और इसलिए हमें नेतृत्व की जरूरत नहीं। आपके आर्गुमेंट के हिसाब से सीएम की जरूरत नहीं है। आपकी बात आमला है, पूरा का पूरा सीएम की क्या आवश्यकता है? मानते हैं आप। देखिए अब्दुल हफीज गांधी जी, अब्दुल हफीज गांधी जी ने सही कहा है कि पहले प्राथमिकता अपने राज्य की, अपने राज्य की जिम्मेदारियों को निभाए उसके बाद प्रचार करे। लेकिन जिस तरीके से दया शंकर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री, ठीक है आपने भी कहा मुख्यमंत्री खुद आके काम नहीं करेंगे, उन्होंने निर्देश दे दिए हैं अधिकारी काम करेंगे, दोनों की बात वाजिब है। लेकिन एक मिश्रा जी आखिरी सवाल है और आखिरी एक मिनट का समय है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के कितने प्रबल दावेदार हैं ये बता दीजिए, क्योंकि बार बार वो तो खुद दावा करते हैं कि वो एक बहुत मजबूत दावेदार है, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बात में नहीं। मनीषा देखिए मैं एक चीज बोल दूं, इन सब चीजों पे जो है लोगों को एक बड़ा गंभीर व्यक्तित्व तो और उत्तर देना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन उठाता हूं, अभी जो सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी जी 2019 में बनेंगे कि नहीं या चुनाव हार गए तो वो खत्म हो गए, चुनाव तो मोदी जी के नेतृत्व में 1,25,00,000 रुपए देने के बाद वो खत्म हो गए थे, बिहार में हार गए थे, तो क्या मोदी जी के ऊपर कोई फर्क पड़ा? अगर मोदी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये राहुल गांधी की उनकी अपनी पार्टी और उनके अपने पार्टी के लीडरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसको लीडर सेलेक्ट करते हैं। दिस इज वन थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि खुद अपने प्रधानमंत्री अगर अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक, आप हमें बनाइए, मतलब आप हमें प्रधानमंत्री बनाइए, तो राहुल गांधी ने बोला या कुमार स्वामी जी बोले या देवगौड़ा जी बोले, कोई भी, सारे लोग बोलते हैं, तो देखिए सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं को अगर ऑनेस्टली वो उजागर कर रहे हैं तो इसको कोई बहुत जो है सीरियसली मैं नहीं लेना चाहता हूं। कौन बनेगा कौन नहीं लेकिन बनेगा इस बात तो नहीं है कि सच्चाई भी तो देखनी होगी ना, इस बात को हम नकार नहीं सकते कि सिर्फ 4 राज्यों में सरकार बची थी। मैं आपको बताऊं, ठीक है देखने पे ये राज्य चला गया लेकिन फिर इतनी बड़ी दावेदारी वो नहीं कर सकते। देखने पे ये लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, आखिरी 10 सेकंड है, होने को हो सकता है नहीं भी हो सकता है। 60 साल 50 साल तक बीजेपी हारती रही, कोई सोचा थोड़ी था कि बीजेपी इतनी मजबूत हो जाएगी। 5 सेकंड अपनी बात खत्म कीजिए फटाफट जल्दी से। बिल्कुल सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में और देश के नेतृत्व के बारे में एज ए प्रधानमंत्री, मिश्रा जी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार्ट ऑफ हार्ट क्लियर है। आपको रुकेंगे, गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं, पहले आप लोगों को वो सुना देते हैं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस एंड समलाइज पुट टुगेदर एज द ट्रेंड्स गो एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू बी आवर नंबर पुट टुगेदर आर मोर देन बीजेपी। सो दिस हैज बीन डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद बोथ as the leaders are here and our central leadership also is in know of this. Rahul Gandhi ji, this has been already discussed with the Devi Kota ji. So what will be the role of Chief Minister? The rest detail will be worked out after we give in writing to चलो ठीक है, चर्चा हमने इस बात पे की लेकिन आखिरकार सच्चाई को अपनाना होगा कि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। हिंदी खबर आपको लगातार महाकवरेज दिखा रहे हैं। चर्चा में इतना ही, नमस्कार। पावर वीटा इसमें